परमाणु की संरचना में बीच में एक केंद्रक होता है। मान लो हम बीच में एक केंद्रक लें, एक केंद्रक होता है, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस केंद्रक के चारों तरफ कक्ष होते हैं। कक्ष यानी ऑर्बिटल, ऑर्बिट्स और सेल्स बोलते हैं। कक्ष होते हैं जो कैसे होते हैं, चक्रीय होते हैं यानी सर्कुलर होते हैं, पथ होते हैं या पाथ होते हैं, ठीक है। तो बीच में केंद्रक होता है और चारों तरफ कक्ष होते हैं, और उन कक्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं परमाणु संरचना के अंदर वो पढ़नी है। तो परमाणु संरचना के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन का पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो कक्षाएं, कक्ष जो होते हैं केंद्रक के चारों ओर तरफ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। अब परमाणु संरचना के अंदर ये चीज़ पाई जाती हैं। अब इन कक्ष, जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्ष को हम पहले कक्ष को, पहली कक्ष, दूसरी कक्ष, तीसरी कक्ष, चौथी कक्ष, तो पहली कक्ष का नाम के, एल, एम, एन ऐसे करके पढ़ना है। पहली का के, दूसरे का एल, तीसरे का के, एल, एम, एन, ठीक है। केंद्रक आपने पढ़ लिया, केंद्रक किसे बोलते हैं, परमाणु संरचना आपने देख ली। अब इस परमाणु संरचना के अंदर आपने पढ़ना है, इस टॉपिक में परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, संयोजकता क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो पहला जो वर्ड है, परमाणु संख्या क्या होती है। किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होती है, और वो ही परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। दूसरा टॉपिक है परमाणु भार। अगर हम इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वो परमाणु भार कहलाएगी। आप चाहे इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन जोड़ो या फिर प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ो, जो उनका सम होगा वो परमाणु भार कहलाएगा। तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, परमाणु संरचना, केंद्रक, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये चीज़ क्लियर होगी। अब किसी भी परमाणु की संरचना के अंदर यानी किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो हमें पता लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उस इलेक्ट्रॉन से हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे, और ये बता सकते हैं उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु के अंदर वही परमाणु संख्या कहलाएगी। अब वो परमाणु संख्या यानी वो जो इलेक्ट्रॉन हैं उस परमाणु के अंदर, वो कौन कौन से कक्ष में पाए जाते हैं हमें ये नहीं पता। तो इसको पता करने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला, ठीक है, एक सूत्र बताया है, 2n2, 2n2 का वो फॉर्मूला हमें बताता है कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा। मान लो हमने n की वैल्यू 1 रखी या 1 रखी, तो पहला कक्ष, 2 रखी तो दूसरा कक्ष, 3 रखी तो तीसरा कक्ष, 4 रखी तो चौथा कक्ष, हमें चौथे कक्ष तक ही पढ़ना है। अब अगर हम 2n2 में, जो 2n2 है सूत्र, उसमें हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख के देखें, तो हमें पता लगेगा कि पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में या चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कक्ष में अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2n2, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 1 जा 2, यानी 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, 1 की पावर को 2 करेंगे तो 1 ही रहेगी। 2n2 में 2 रखेंगे तो 1 जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8। तीसरी अगर हम वैल्यू क्या रखें, 3 रखें तो 3 3 जा 9 2 जा 18, मतलब 3 3 9 9 2 18। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 18। चौथे कक्ष की बात करें तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे चौथे कक्ष में। हमें क्या पढ़ना है, पहला कक्ष पढ़ना है 2 के लिए, दूसरा कक्ष 8 के लिए, तीसरा कक्ष में 18 होते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ना है इस कक्षा में, 9th हो या 10th, 9वीं हो या 10वीं, आपको पढ़ना है 8 एलिमेंट, 8 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना है, जो 18 है उसको नहीं पढ़ना, 8 तक पढ़ना है। आगे जब हम 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अब ये आपको पता लगे कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैंने कहा कि किसी परमाणु के अंदर कि या किसी परमाणु की परमाणु संख्या 10 है, तो हम कैसे बताएंगे कि उस के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्ष में, आपको पता लगे कि कौन कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम उन कक्ष के अंदर उन